देखेंगे कि लैंग्वेज एंड इंडिविजुअल का कंसेप्ट क्या है सिमेंटिक्स में ये लेक्चर डिलीवर हो रहा है थ्रू एल्फा एजुकेशन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नए आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे ये लेक्चर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो तो चलिए टाइम वेस्ट के बगैर अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज एंड इंडिविजुअल अपने टॉपिक का एक इंट्रोडक्शन लेते हैं नाम से ही जाहिर है कि लैंग्वेज और इंडिविजुअल यानी एक इंडिविजुअल लैंग्वेज को लर्न कैसे करता है और एक इंडिविजुअल का और एक लैंग्वेज के बीच का रिलेशन क्या होता है अगर हम देखें तो हर एक ह्यूमन चाइल्ड जो कि एक सोसाइटी में रहता है वो अपनी ही सोसाइटी की लैंग्वेज को सीखता है कुछ एक्सेप्शनस को छोड़ के जिसमें हमारे पास कुछ रेयर uh, केसेस आ जाती हैं जिनमें बच्चे लैंग्वेज नहीं सीख पाते बिकॉज ऑफ सम बायोलॉजिकल इश्यूज़ लेकिन अगर हम देखें ओवरऑल जनरली तो एवरी ह्यूमन चाइल्ड लर्नस द लैंग्वेज ऑफ सोसाइटी इन विच इट ग्रोज अप अब होता क्या है ये एक प्रोसेस के थ्रू होता है कि जब एक बच्चा पाँच या छः साल तक हो जाता है लाइक जब उसकी एज फाइव टू सिक्स ईयर्स हो जाती है तो वो लैंग्वेज के फंडामेंटल्स को एक्वायर कर लेता है यानी लैंग्वेज की जितनी भी फंडामेंटल्स होती हैं अगर एक इंग्लिश स्पीकिंग है या फिर इंग्लिश स्पीकर है तो वो पाँच या छः साल तक इंग्लिश लैंग्वेज के सारे फंडामेंटल्स को एक्वायर कर लेता है अब चाइल्ड फॉलोज़ अ जनरल टाइम टेबल इन द प्रोसेस ऑफ एक्विजीशन यानी ये जो फंडामेंटल एक्वायर करता है पाँच से छः साल तक मतलब पाँच से छः साल की एज तक जब वो लैंग्वेज के सारे फंडामेंटल्स को एक्वायर करता है तो ये कैसे होता है ये एक जनरल टाइम टेबल के थ्रू होता है मतलब जनरल टाइम टेबल का मतलब यह कि जैसे बच्चा चलना फिरना स्टार्ट करता है तो वो क्या होता है कि पहले वो क्रॉल करता है फिर वो थोड़ा बहुत चलता है फिर उसके बाद प्रॉपर चलने स्टार्ट हो जाते हैं तो एक जनरल टाइम टेबल के थ्रू होता है इसी तरह लैंग्वेज की जो एक्विजिशन है ये भी एक जनरल टाइम टेबल के थ्रू होती है अब होता है क्या है कि एट द एज ऑफ ट्वेल्व मंथ्स जब बच्चा बारह माह का होता है तो वो क्या करते है वो इमिटेट करते है कॉपी करते है पेरेंट्स वे ऑफ नेमिंग थिंग्स यानी जब बच्चा बारह महीनों का हो जाता है या फिर एक साल का हो जाता है तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं वो अपने पेरेंट्स को कॉपी करना स्टार्ट करते हैं इमिटेट करते है जैसे पेरेंट्स चीज़ों को नाम देते हैं वो बच्चे भी उन्हीं चीज़ों को कॉपी करते हैं जैसे पेरेंट्स कहते हैं बॉटल बेड मामा एक्सेट्रा ये चीज़ें जब वो कहते हैं तो बच्चा भी उसी चीज़ों को एक चाइल्ड भी उसी चीज़ों को कॉपी करता है और ये कब तक ये ट्वेल्व मंथ्स की एज में और इसको कहते हैं वन वर्ड स्टेज क्योंकि पेरेंट्स जिन चीज़ों को नाम देते हैं या फिर जैसे वो चीज़ों को कॉल करते हैं तो बच्चा भी उन्हीं को कॉपी करता है वो एक एक वर्ड बोलता है बारह महीनों की एज तक एक चाइल्ड एक एक वर्ड बोलता रहता है जैसे बा मामा बेड बॉटल इसी तरह ब्रेड ऐसी भी चीज़ें वो बोलता है और इसको कहते हैं वन वर्ड स्टेज यानी इस एज तक वो सिर्फ एक ही वर्ड अटर कर सकता है इसके बाद आता है एट द एज ऑफ एटीन मंथ्स जब बच्चा अठारह महीनों का हो जाता है तो वो क्या करते हैं वो टू वर्ड एट्रेंसिज प्रोड्यूस करता है चाइल्ड प्रोड्यूसिंग टू वर्ड्स एट्रेंसिज यानी वो फिर सिंगल वर्ड नहीं बोलता वो दो दो वर्ड्स बोलते हैं कैसे बेबी अप मामा शूज डैडी कम एक्सेट्रा यानी इस तरह के वो टू वर्ड्स एट्रेंस बोलते हैं अब जो पहली वन वर्ड स्टेज है यहाँ पे वो तो बिल्कुल ही प्योरली अपने पेरेंट्स को कॉपी करता है लेकिन ये जो टू वर्ड स्टेज है इसके बारे में लिंग्विस्ट कहते हैं कि ये बिल्कुल अपने पेरेंट्स की इमिटेशन नहीं होती लाइक like, बिल्कुल ही ये बच्चा उनको कॉपी नहीं करता बट बल्कि वो अपने आप से ये एटरेंसेज इन्वेंट करता है ये प्योरली इन्वेंटेड होते हैं बल्कि अपने पेरेंट्स की रिपिटेशन उनके एट्रेंसिस की रिपिटेशन नहीं होती मतलब बच्चा ये जो भी वर्ड्स बोलता है कि मामा शूज डैडी कम वो अपने आप से बोलता है खुद ही इन्वेंट करता है अपने माइंड से वो ऐसे नहीं करता कि वो अपने पेरेंट्स को इमिटेट करता है और इस स्टेज को कहते हैं टू वर्ड स्टेज अब थ्रू दिस एन इंडिविजुअल बिकम्स एबल टू इन्फॉर्म एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड थाट्स एंड बिकम एबल टू लर्न अब इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है अब Uh, काफ़ी स्टूडेंट्स um, सोचते हैं कि टू वर्ड स्टेज के बाद तो बच्चा बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस बोलने स्टार्ट हो जाते हैं प्रॉपर सेंटेंसेस बोलते हैं तो उसको एक लाइक सेपरेट कैटेगरी में क्यों नहीं रखा तो टू वर्ड के बाद जब एक बच्चा एक चाइल्ड ज़्यादा वर्ड्स बोलने स्टार्ट करते है या फिर ज़्यादा सेंटेंसेज बोलने स्टार्ट करते हैं तो उसमें ऐसे नहीं होता कि हम उसको डिफरेंट कैटेगरी में देते हैं मतलब टू वर्ड्स के बाद एक बच्चा प्रॉपर लैंग्वेज बोलना स्टार्ट हो जाता है अब थ्रू दिस इस प्रोसेस के थ्रू एन इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल इस काबिल हो जाता है कि वो दूसरों को इन्फॉर्म कर सके अपनी फीलिंग्स और थाट्स को एक्सप्रेस कर सके और इस एबल हो सके कि वो कोई चीज़ लर्न कर सके तो ये एक बेसिक से इंट्रोडक्शन था कि एक छोटा सा बच्चा एक इंडिविजुअल लैंग्वेज को एक्वायर कैसे करता है और लर्न कैसे करता है अब हम चलते हैं टॉपिक पे थिंकिंग एंड लैंग्वेज यानी इंसान जो थिंक करता है और जो लैंग्वेज यूज़ करता है इन दोनों के आपस के बीच का रिलेशन क्या है यहाँ पे एक बहुत बड़ी डिबेट जो कि लिंग्विस्ट के, के थ्रू मतलब उनके बीच में हमेशा रही है कि इस थिंकिंग डिपेंडेंट ऑन लैंग्वेज और लैंग्वेज इज़ डिपेंडेंट ऑन थिंकिंगी जो हम थिंक करते हैं ये जो हमारी थिंकिंग है क्या ये हमारी लैंग्वेज पे डिपेंडेंट है या फिर जो हमारी लैंग्वेज है ये हमारी थिंकिंग पे डिपेंडेंट है तो इस पर बहुत ज़्यादा बहस हुई कुछ लोग कहते हैं कि जो हम थिंक करते हैं अगर हमारे पास लैंग्वेज ना होती तो हम थिंक ही नहीं कर पाते हम किसी चीज़ के बारे में सोच ही ना पाते और कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर हमारे पास हमारी थिंकिंग ना होती तो हम लैंग्वेज को यूज़ ही ना कर पाते चलिए इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि इसके बारे में मेजोरिटी ऑफ़ द लैंग्वेज का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है तो आवर एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज एंड आवर एबिलिटी टू थिंक एंड कंसेप्चुलाइज़ यानी ये, ये बात हो गई लैंग्वेज की और ये हो गई थिंकिंग की कि ये जो हमारी एबिलिटी है मैंने डिफरेंट कलर्स इस वजह से हाँ, ज़्यादातर यूज़ करता हूँ ताकि आप स्टूडेंट्स को पॉइंट कैच करने में आसानी हो और एबिलिटी टू यूज़ लैंग्वेज ये जो हमारी एबिलिटी है हम लैंग्वेज को जो यूज़ करते हैं मतलब सिंपली बात जो हमारी लैंग्वेज है और एबिलिटी टू थिंक एंड कंसेप्चुलाइज़ यानी जो हमारी एबिलिटी है कि हम चीज़ों के बारे में सोचते हैं और उसको कंसेप्चुलाइज़ करते हैं हम सिंपली इसको थिंकिंग कह देते हैं यानी लैंग्वेज और थिंकिंग uh, इन दोनों चीज़ों के बारे में हम बताएंगे कि ये है क्या बोथ डिवलप एट सेम टाइम एंड दीज एबिलिटीज़ डिपेंड ऑन ईच अदर ये दोनों एबिलिटीज़ एट द सेम टाइम ही डिवेलप होती हैं यानी ऐसे नहीं होता कि पहले हम लैंग्वेज सीखते हैं फिर हम थिंकिंग करते हैं या फिर ऐसे भी नहीं होता कि पहले हमारे पास थिंकिंग होती है और थिंकिंग के बाद हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं नहीं ये दोनों एबिलिटीज़ डिवेलप एट सेम टाइम एंड बोथ दीज एबिलिटीज़ ये दोनों भी जो एबिलिटीज़ हैं लैंग्वेज की और थिंकिंग की ये दोनों पे डिपेंड करती हैं यानी एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है ये दोनों आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं अब इसी वजह से आ, हमें आपको मतलब वी डो नॉट रिमेंबर थिंग्स अबाउट आवर चाइल्ड हुड बिकॉज एट देट टाइम्स वी डोंट हैव लैंग्वेज अब बचपन की हमारे काफ़ी सारी चीज़ें हमें याद नहीं होती आ, बहुत सी चीज़ें अगर आप सोचे कि आप जब दो साल के थे जब जब आप एक साल के थे तो तब आपके साथ क्या हुआ था आपने क्या देखा था वो हमें याद नहीं रहती क्यों क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास लैंग्वेज नहीं थी और हम जाहिर सी बातें लैंग्वेज नहीं थी तो हम थिंक नहीं कर सकते थे और हमारे पास थिंकिंग नहीं थी तो हमारे पास लैंग्वेज नहीं थी तो इस वजह से कि चूँकि हमारे पास लैंग्वेज नहीं थी तो हम उन चीज़ों के बारे में थिंक नहीं कर सकते थे और जब तक हमारी थिंकिंग नहीं होती तो वो चीज़ हमारी मेमोरी में जाती ही नहीं तो ये एक बेसिक सा पॉइंट है जो कि आसानी से समझ आ जाता है कि चूँकि हमारे बचपन में हमारे पास लैंग्वेज नहीं थी हम थिंक नहीं कर सकते थे तो इस वजह से हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हमें याद नहीं रहती बाद में जब हमने लैंग्वेज सीखी तो हमें पाँच साल की एज की चीज़ें याद रहती हैं चार साल की एज की और इसी तरह इससे ज़्यादा और कम की तो इसकी मेन रीज़न यही है कि हमारे पास उस टाइम पे लैंग्वेज नहीं थी इस वजह से हम उन चीज़ों को रिमेंबर नहीं कर पाते अवर नॉलेज ऑफ नेटिव लैंग्वेज जो हमारी वो एक नेटिव लैंग्वेज है सपोज़ मैं उर्दू स्पीकर हूँ तो मेरी जो नॉलेज uh, है मेरी नेटिव लैंग्वेज की पार्टली कॉन्शियस यानी ये पार्टली एक्सप्लिसिट है एंड टू लार्ज एक्सटेंट अनकॉन्शियस इम्प्लिसिट है कॉन्शियस uh, एक्सप्लिसिट का मतलब क्या और अनकॉन्शियस और इम्प्लिसिट का क्या मतलब मैं बताता हूँ कि जो मेरे पास उर्दू लैंग्वेज है या सपोज़ में इंग्लिश इंग्लिश तो मेरी नेटिव लैंग्वेज नहीं है उर्दू की ही मैं बात करूँगा जो मेरी उर्दू लैंग्वेज है अब इसके बारे में मेरे माइंड में कुछ नॉलेज ऐसी है जो कि कॉन्शियस है जो कि एक्सप्लिसिट है जो जो कि मैं जानता हूँ और कुछ ज़्यादातर नॉलेज ऐसी है जो कि इम्प्लिसिट है अनकॉन्शियस है इसका मतलब ये कि हम अपनी लैंग्वेज के बारे में बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम जानते हैं मतलब हमारे इलम में तो है इम्प्लीसिट वो नॉलेज होती है जो कि हमारे माइंड में तो होती है लेकिन हम उसके बारे में अवेयर नहीं होते वो नॉलेज हम प्रोजेस्ट तो करते हैं बट हमें ये इलम नहीं होता कि हमें इन चीज़ों के बारे में भी इलम है और एक्सप्लिसिट का मतलब ये कि हमें पता होता है कि हाँ हमें इस चीज़ का इलम है अब यहाँ पे हम चलते हैं क्रिएटिविटी की तरफ अब लैंग्वेज की क्रिएटिविटी का क्या हमने पहले लेक्चर्स में भी क्रिएटिविटी पे बात की थी लेकिन यहाँ पे इसका कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट होगा वहाँ पे भी हमने क्रिएटिविटी की बात की लेकिन वो नेचर ऑफ़ लैंग्वेज के हवाले से था लेकिन यहाँ पे हम लैंग्वेज एंड इंडिविजुअल में क्रिएटिविटी का क्या कंसेप्ट है उसको देखते हैं लैंग्वेज इज क्रिएटिव ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ह्यूमन लैंग्वेज एक क्रिएटिव लैंग्वेज है एन इंडिविजुअल कॉन्सटेंटली प्रोड्यूस एंड अंडरस्टैंड न्यू मैसेजेस इन रिस्पॉन्स टू अ न्यू सिचुएशन एंड न्यू एक्सपीरियंस एक इंडिविजुअल कॉन्स्टेंटली नए मैसेजेस प्रोड्यूस भी करता है और अंडरस्टैंड भी करता है नए सिचुएशन जब आते हैं जब नए एक्सपीरियंसेस आते हैं तो एक इंडिविजुअल डिफरेंट uh, तरह के न्यू uh, मैसेजेस बोलता भी है और अंडरस्टैंड भी करता है बट एट द सेम टाइम लैंग्वेज इज़ सब्जेक्ट टू अ फ्यू रूल्स एंड कॉन्स्टेंट्स अब हम बहुत ज़्यादा चीज़ें तो बोलते हैं बहुत ज़्यादा नए तरीक़ों से हम लाइक uh, like, बहुत ज़्यादा नई चीज़ें बोल लेते हैं नए मैसेजेस प्रोड्यूस करते हैं अंडरस्टैंड करते हैं लेकिन जो रूल्स हैं और जो कॉन्सटेंट्स हैं वो बहुत ही कम है मतलब जो नई चीज़ें लाइक like, uh, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं क्रिएटिविटी के लिए वो इतने ज़्यादा नहीं है हम मैसेजेस तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं लेकिन लैंग्वेज जो है एट द सेम टाइम इज सब्जेक्ट टू अ फ्यू रूल्स एंड कॉन्स्टेंट्स इससे इस सेकेंड लाइन uh, से हम ये इन्फर कर सकते हैं कि वी कैन से वी कैन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ थिंग्स सॉरी इसको करेक्ट uh, कर लें वी कैन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ थिंग्स बट देयर आर नॉट इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ वर्ड्स और इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज़ ऑफ़ कंबाइनिंग वर्ड्स कि हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ थिंग्स तो बोल सकते हैं लेकिन जो तरीके हैं मतलब हमारे पास एक सिंपल सा मेथड होगा और उस मेथड के थ्रू हम बहुत ज़्यादा चीज़ें बोलते हैं यानी ऐसा नहीं है कि अगर हम बहुत ज़्यादा चीज़ें बोल सकते हैं तो इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा तरीके होंगे वर्ड्स को कंबाइन करने के नहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस जो रूल्स है जो कॉन्सटेंट्स है वो बहुत कम है और उसी कम फ्यू कॉन्स्टेंट्स एंड रूल्स के थ्रू ही हम बहुत ज़्यादा एट्रेंसिव प्रोड्यूस करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं अब हम नॉलेज ऑफ लैंग्वेज की बात करते हैं कि जो हमारे पास लैंग्वेज है एक स्पीकर जब एक लैंग्वेज को बोलता है लाइक इंग्लिश स्पीकर है तो वो जब इंग्लिश लैंग्वेज को बोलेगा तो उसके पास क्या ऐसी नॉलेज होगी यानी कितनी नॉलेज होनी चाहिए कि जब वो एक लैंग्वेज को बोल सके यही सेम क्वेश्चन कि वट लैंग्वेज डज अ स्पीकर हैज़ अबाउट द लैंग्वेज अगर एक लैंग्वेज के स्पीकर है तो उसके पास एक लैंग्वेज की कौन सी इन्फॉमेसन कितनी नॉलेज होती है कि वो उस लैंग्वेज को बोलने के काबिल बन जाए सिंपली द वैबलरी एंड द वे टू यूज़ इट अगर हम कहें किसी से पूछे कि एक इंग्लिश लैंग्वेज की स्पीकर के पास क्या नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज की कि वो उस लैंग्वेज को बोल सके तो हम एक ही चीज़ कह सकते हैं कि उसके पास वोकेबलरी होनी चाहिए इंग्लिश की और द वे टू यूज़ इट और वो तरीके होने चाहिए जिससे वो उस वोकेबलरी को यूज़ कर सके अब हम बात करते हैं कि वोकेबलरी का क्या मतलब वो रेफ़र करती है नेम्स पीपल प्लेस एज़ वेल एज़ वट वी माइट थिंक ऑफ़ एन ऑर्डिनरी वर्ड्स यानी हमारे पास वो में नेम्स चीज़ों के नेम्स आ जाते हैं पीपल्स आ जाते हैं प्लेसेस आ जाती हैं और इसके साथ साथ जो ऑर्डिनरी आम बोलचाल के जो वर्ड्स होते हैं ये सारी चीज़ें किस में आती हैं वो में यानी ऑर्डिनरी वर्ड्स का मतलब यही है कि जो हम आम बोलचाल में यूज़ करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के जो बिल्कुल नॉर्मल ऑर्डिनरी वर्ड्स होंगे कॉमन वर्ड्स होंगे वो भी हमारे पास वकीबलरी में आते हैं अब हाउ टू यूज़ विकैबरी इन एटरेंसिस दैट विल कैरी मीनिंग अब इसी विकैबलरी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं किसी अट्रेंस में कि वो मीनिंग कैरी करें अब जाहिर सी बात है एक लैंग्वेज के स्पीकर तभी एक लैंग्वेज को बोल सकेगा जब वो ऐसे एट्रेंसिसज़ प्रोड्यूस करेगा जो कि मीनिंगफुल हो जो कि मीनिंगफुल ना हो मीनिंगस हो तो इसका मतलब वो उस लैंग्वेज को यूज़ करना जानता ही नहीं तो हाउ टू यूज़ विकैबलरी इन एट्रेंसिस दैट विल कैरी मीनिंग इसका आंसर हमारे पास ये आता है फ़ॉर दिस अ स्पीकर फॉर द प्रोडक्शन एंड रिकोगगनीशन ऑफ एवरी वर्ड दैट दे नो अब लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए या फिर वोकेबलरी को यूज़ करने के लिए स्पीकर के पास क्या होना ज़रूरी है यानी एक स्पीकर अगर एक वर्ड को प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं या फिर उसको रिकगनाइज करना चाह रहे हैं फॉर दिस अ स्पीकर फ़ॉर द प्रोडक्शन एंड रिकोगशन ऑफ एवरी वर्ड यानी हर एक वर्ड की प्रोडक्शन और रिकोगशन के लिए जो कि वो जानता है उसके पास क्या होना जरूरी है द मस्ट नो इट्स प्रोनंसिएशन हाउ इट फिट्स इन टू वेरियस एट्रेंसिस एंड वट इट मीन्स एक वर्ड की प्रोनांसिएशन क्या है वो डिफ़रेंट एट्रेंसिस में कैसे फ़िट आता है और उस वर्ड का मतलब क्या है ये चीज़ें एक स्पीकर को पता होनी चाहिए कि वो एक वर्ड को प्रोड्यूस कर सके और रिकगनाइज़ कर सके जब तक इन चीज़ों का पता नहीं होगा एक स्पीकर कभी भी वोकेबलरी को मीनिंगफुल वे में यूज़ नहीं कर सकता अब बात करते हैं ग्रामर की ग्रामर क्यों लिखी गई और लिंग्विस्टिक्स का जो लिंग्विस्ट्स हैं उनका क्या मेन टारगेट था कि उन्होंने ग्रामर लिखी टू डिस्क्राइब अ लैंग्वेज द लिंग्विस्ट राइट अ ग्रामर एक लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने के लिए लिंग्विस्ट ने क्या किया उन्होंने ग्रामर लिखी वेन वी यूज दट और ग्रामर वी मीन टू थिंग्स जब हम ग्रामर की बात करते हैं लैंग्वेज की सपोज़ हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं और हम बात करते हैं ग्रामर की तो मेनली हम दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं यानी हमारा मतलब दो दो चीज़ों को बयान करना होता है ग्रामर के हवाले से वेन वी यूज़ द टर्म ग्रामर वी मीन टू थिंग्स और वो दो चीज़ें क्या हैं इम्प्लीसिट नॉलेज ऑफ़ द लैंग्वेज दैट अ स्पीकर हैज़ और एक्सप्लिसिट डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन ऑफ़ इट बाई द लैंग्वेस्ट अब मैंने ये बताया कि हर एक लैंग्वेज यानी लैंग्वेज के बारे में इंसान के पास बाय बर्थ या फिर नेचुरली काफ़ी सारी नॉलेज होती है लेकिन बाद में वो कुछ न, लाइक जिस सोसाइटी में वो रहता है उस सोसाइटी के थ्रू वो लैंग्वेज को एक्सप्लोर करता है फिर वो लैंग्वेज बोलना स्टार्ट हो जाता है तो जब हम ग्रामर की बात करते हैं वी मीन टू थिंग्स एक ही इम्प्लीसिड नॉलेज ऑफ़ द लैंग्वेज दैट स्पीकर हैज़ इम्प्लीसिड नॉलेज वो यानी बहुत ज़्यादा नॉलेज हमारे माइंड में अब देखिए हमारे पास काफ़ी बार ऐसे होता है कि काफ़ी चीज़ें हमारे इलम में होती हैं माइंड में होती हैं लेकिन हमें नहीं पता होता कि ये हमारे माइंड में है लेकिन जब वो चीज़ें हमारे सामने आती है तो तब हमारे अनकॉन्शियस से वो नॉलेज कॉन्शियसनेस में आ जाती है और फिर हम कहते हैं कि हाँ ये बात भी मेरे माइंड में थी और फिर वो बात हम कहते हैं क्लिक हो गई ठीक है तो इम्प्लिसिट नॉलेज ऑफ़ द लैंग्वेज दैट स्पीकर हैज़ पहली चीज़ तो ग्रामर में जो हम डिस्कस करते हैं वो है इम्प्लिसिट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज दूसरी है एक्सप्लिसिट डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन ऑफ इट बाई द लिंग्विस्ट यानी उसी नॉलेज की जो डिस्क्रिप्शन uh, है जो उसकी एक्सप्लेनेशन है जो कि हमें लिंग्विस्ट ने दी है उस चीज़ को भी हम ग्रामर में डिस्कस करते हैं तो ये दो चीज़ें हैं जो कि जब भी हम ग्रामर की बात करते हैं हम इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करते हैं वेन वी थिंक ऑफ ग्रामर एज़ जब हम ग्रामर को सोचते हैं या पॉइंट वन या फिर पॉइंट टू या फिर ये दोनों जब हम सोचते हैं कि ग्रामर क्या है इम्प्लेसिड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज है जो कि स्पीकर के पास है या फिर एक्सप्लेसिड uh, डिस्क्रिप्शन है या एक्सप्लेनेशन है किस चीज़ का उसी नॉलेज का जो कि लैंग्वेज ने दिया हुआ है जब हम ग्रामर में ग्रामर को सोचते हैं एज पॉइंट वन और टू ये पॉइंट वन और टू या फिर इन दोनों को ठीक है तो हमारे क्या होता है कि हमारे पास ये माइंड में आता है या फिर हम ये चीज़ें लिंग्विस्ट ने बताई हुई हैं कि ग्रामर में फिर तीन चीज़ें होनी चाहिए वैसे तो देखने में चार होती हैं लेकिन बताते है ये लोग तीन हैं जिसमें सबसे पहले हमारे पास चीज़ आती है सीमेंटिक्स की कि ग्रामर में तीन पार्ट्स होते हैं जिसमें सबसे पहला पार्ट है सीमेंटिक्स का अब सीमेंटिक्स क्या है ये नॉलेज और डिस्क्रिप्शन है ऑफ मीनिंगफुल यूनिट्स लाइक वर्ड्स एंड इट्स कम्बीशन अब सीमेंटिक्स किस चीज़ की नॉलेज है किस चीज़ की डिस्क्रिप्शन है जो कि मीनिंगफुल यूनिट्स है एक लैंग्वेज के जिसको हम वर्ड्स कहते हैं यानी वर्ड्स की मीनिंग या फिर वर्ड्स के डिफरेंट कम्बीशन की मीनिंग्स की स्टडी को हम सीमेंटिक्स कहते हैं और ये ग्रामर का एक पार्ट है अब इसी के साथ हमारे पास फोनोलॉजी भी आ जाती है लाइक like, सीमेंटिक्स में ही फोनोलॉजी को डिस्कस किया जाता है अब फोनोलॉजी क्या है इट इज़ द नॉलेज और डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ स्पीच साउंड्स आर ऑर्गेनाइज इन पर्टिकुलर लैंग्वेज कि एक स्पीच साउंड्स एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में कैसे ऑर्गेनाइज है इस चीज़ की लैंग्वेज और इस चीज़ की डिस्क्रिप्शन को हम फोनोलॉजी कहते हैं और ये जो हमारे पास यूनिट्स होते हैं लाइक स्पीच साउंड्स के जो यूनिट्स होते हैं इसको हम फोनिम्स कहते हैं और फोनिम्स को हम काफ़ी डिफरेंट वे में अरेंज करके काफ़ी डिफरेंट तरह के वर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं और इसी अरेंजमेंट से जब नए वर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं तो इसकी मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं फोनोलॉजी के बाद हमारे पास सिंटेस का कंसेप्ट आता है कि द नॉलेज ऑफ क्लासेज ऑफ वर्ड्स ऑल्सो कार्ड पार्ट ऑफ स्पीच अब ग्रामर के इस पार्ट में अब ज़्यादातर हमारे पास क्या होता है कि स्टूडेंट ग्रामर को यही समझते हैं कि जो सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच है और जो सिर्फ क्लासेज ऑफ वर्ड्स है इन्हीं चीज़ों के बारे में स्टडी करने को ग्रामर कहते हैं लेकिन नहीं ग्रामर में हमारे पास समेंटिक्स फोनोलॉजी ये भी आ जाते हैं और सिंटेक्स यानी सिंटेक्स ग्रामर का एक पार्ट है तो सिंटेक्स में हम क्या देखते हैं क्लासेज ऑफ वर्ड्स ऑलसो कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच फिर हमारे पास मॉर्फोलॉजी आ जाती है जिस पे मैंने काफ़ी पहले भी लेक्चर्स अपलोड किए हैं जो कि नॉलेज है किस चीज़ की वर्ड फॉर्मेशन की तो जब भी हम ग्रामर को एज इम्प्लिसिट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज कंसिडर करते हैं या फिर एक्सप्लिसिट डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेशन ऑफ इम्प्लिसिट नॉलेज बाई लैंग्विस्ट जब हम इन दोनों चीज़ों को कंसिडर करते हैं एज ग्रामर तो हमारे पास फिर ग्रामर के तीन पार्ट्स आते हैं आप तो कहेंगे कि सर ये तो चार लिखे हुए हैं लेकिन फोनोलॉजी और सिमेंटिक्स को एक तरह से साथ ही डिस्कस किया जाता है क्योंकि फोनोलॉजी में चेंजेस करने से ही साउंड में रिप्लेसमेंट करने से ही हमारे पास वर्ड्स की मीनिंग चेंज हो जाती है फिर सिंटेक्स और फिर मोरफोलॉजी तो ये कंसेप्ट था ग्रामर का और ये आज का लेक्चर था अबाउट लैंग्वेज एंड इंडिविजुअल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर अगर आपने इस लेक्चर से कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ आ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उम्मीद है आपको समझ आई होगी इन नेक्स्ट लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़